मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव से पहले जो जो वादे जनता से किए थे उन वादों को पूरा करने की शुरुआत हो चुकी है। महज 10 रुपयों में भोजन की थाली देने का वादा पूरा करते हुए ठाकरे सरकार ने अपनी वचन पूर्ति की है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से ढेर सारे वादे किए थे। उन वादों में से एक था 10 रुपयों में भोजन की थाली देने का वादा। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद अन्य वादों के साथ साथ 10 रुपयों में भोजन थाली देने का वादा भी उद्धव ठाकरे पूरा करते नजर आ रहे हैं। राज्य के अन्य विभागों की तरह कलम्बोली में भी शिवशाही महिला बचत गट द्वारा यह उपक्रम शुरू किया गया। बृहस्पतिवार को शिवसेना के जिला सलाहकार बबन दादा पाटिल, महानगर जिला प्रमुख सतीश गरत, रामदास शेवाले, कांग्रेस के महानगर जिला कार्याध्यक्ष सुदाम पाटिल, राष्ट्रवादी के महानगर जिलाध्यक्ष सतीश पाटिल, शिवसेना के जिला उप प्रमुख परेश पाटिल आदि की प्रमुख उपस्थिति में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस कार्यक्रम के दौरान बबन दादा पाटिल ने अपनी भावनाएं हमारे कैमरे के सामने जाहिर की। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आणि राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांनी जी घोषणा केली होती त्या घोषणा केल्याप्रमाणे आज उद्धवजी मुख्यमंत्री आहेत। पण सत्ता येण्याच्या अगोदर जो एक जनतेला महाराष्ट्राचा वचन दिला होता तो वचन पूर्ण करण्याचं काम आज चालू आहे। आणि सरकार आल्यानंतर प्रथम 10 रुपयात मोफत जेवण ज्या घोषणा होत्या त्या त्यांनी केलेल्या त्या पूर्ववत करण्यासाठी आज कलबोली शाखेच्या वतीने आणि इतर ठिकाणी सगळीकडे चालू झालेलं आहे। रायगड जिल्ह्यामध्ये पहिला प्रथम या कलबोली शाखेमध्ये हा 10 रुपयात जेवण देण्याचा कार्यक्रम आज आम्ही सुरू करत आहोत। मागच्या शिवशाही असताना झुणका भाकर केंद्र लोकांना दिली होती आणि झुणकांना भाकर 2 रुपयात लोकांना, तर आज 10 रुपयात आम्ही दोन चपात्या, दोन डाली भाज्या, राईस असा उपक्रम आज आम्ही इथे देणार आहोत।